आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सूबे में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है, वहीं इस चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत भी काफी सक्रियता दिखा रहे हैं। इस कड़ी में कल यानी 10 जनवरी से हरदा गंगा गन्ना यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये यात्रा झबरेड़ा विधानसभा से शुरू होगी। इस यात्रा के दौरान हरदा झबरेड़ा से हर की पैड़ी तक अपने समर्थकों के साथ पदयात्रा करेंगे। कांग्रेसी की माने तो हरीश रावत की इस यात्रा से पार्टी को आगामी चुनाव में बहुत फायदा मिलेगा। जब आज पूरी तरह जो है सरकार दो साल में राज्य की और पांच साल में केंद्र की सरकार को फेल होते देख इस उत्तराखंड के धरती पुत्र हरीश रावत ने समझा कि आस्था और जरूरत दोनों का सवाल है, क्यों ना मैं लोगों के बीच जाकर यह मैसेज दूं कि गंगा और गन्ना यात्रा को लेकर मैं झबरेड़ा से शुरू करूं और गंगा आरती पे लाके ख़त्म करूं, लोगों को एक मैसेज जाए और लगे कि हरीश रावत हमारी जरूरत की और हमारी आस्था का ख्याल रखते हैं। रावत जी का एक स्वभाव है, कभी हर की पैड़ी पर कीर्तन भजन करना, कई मंदिरों में जाकर कीर्तन भजन करना, कभी चाय पार्टी देना, कभी गुड़ पार्टी देना। अब ये गंगा यात्रा है उसी का एक हिस्सा है। अब जितने फुकावा कारतूस है अपना समय पास कर रहे हैं, उनको अधिकार है।